हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बायोलॉजी क्लासेस में। और फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक इम्पोर्टेंट क्लास और एक स्पेसिफिक क्लास जिससे क्वेश्चंस पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट एंड देयर यूज़, यानी कि यहाँ पर उपकरण हैं और उनके प्रयोग हैं। एक बार वीडियो को देखने से आपको लगभग 90% याद हो जाएंगे और यहाँ से एक से दो क्वेश्चन पेपर में ज़रूर पूछा जाता है। तो इस क्लास को ध्यान से देखिए और अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए। इंस्ट्रूमेंट और देयर यूज़, अगर आपको एग्रीकल्चर का या बायोलॉजी का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो आप हमें इस कॉन्टैक्ट पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लेट ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। सो बी रेडी फॉर एन इम्पोर्टेंट क्लास। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आप सभी के एग्ज़ाम के पर्पज से। तो फर्स्ट है मेज़र, ये हमारे इधर इंस्ट्रूमेंट है और इधर इनके यूज़ हैं। तो सबसे पहला जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो है मैक्सिमम थर्मामीटर, यानी कि मैक्सिमम थर्मामीटर से क्या करते हैं, तो मेज़रमेंट ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर, यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर एक दिन में कितना मैक्सिमम टेम्परेचर है उसका जो मेज़रमेंट होता है वो मैक्सिमम थर्मामीटर से होता है। इसके बाद नेक्स्ट है एक दिन में मिनिमम टेम्परेचर कितना रहता है, तो वो हम यूज़ करते हैं उसके लिए मिनिमम थर्मामीटर। तो यहाँ पर याद आपको रखना है कि एक दिन में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है उसे चेक करता है मैक्सिमम थर्मामीटर, और किसी भी दिन मिनिमम टेम्परेचर कितना होता है उसे चेक करता है मिनिमम थर्मामीटर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम थर्मामीटर में मर्करी यूज़ करते हैं और मिनिमम थर्मामीटर में हम अल्कोहल यूज़ करते हैं। याद रखना पॉइंट, अल्कोहल मिनिमम में और मैक्सिमम में मरकरी। इसके बाद मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल अमाउंट, बहुत सिंपल है, सभी को पता है रेन गॉज जो है इसका यूज़ होता है। ओके, इसके बाद है कंटिन्यूअस एयर टेम्परेचर। कंटिन्यूअसली एयर टेम्परेचर को कौन देखता है, तो थर्मोग्राफ से हम एयर का टेम्परेचर देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एयर का टेम्परेचर किससे चेक करते हैं, थर्मोग्राफ से चेक करते हैं। इसके बाद है मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मेजरमेंट हम किससे करते हैं, बैरोमीटर से करते हैं। तो याद रखना हमारे वातावरण का दाब क्या, एक तरह से एटमॉस्फेरिक यहाँ पर टेम्परेचर होना प्रेशर होना चाहिए था। एक मिनट, यहाँ पर आपको सही कर लेना है, यहाँ पर टेम्परेचर की जगह प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम बैरोमीटर से चेक करते हैं। दोबारा से याद हो जाएगा आपको कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम बैरोमीटर से चेक करते हैं। इसके बाद मेजरमेंट ऑफ विंड वेलोसिटी, वायु की गति को हम एनीमोमीटर से चेक करते हैं। मेजरमेंट ऑफ विंड डायरेक्शन, यानी कि वायु की दिशा के लिए हम विंड वेन का यूज़ करते हैं। इसमें जो होती हैं चार डायरेक्शन दिखाई गई होती हैं और इसमें एक एरो होता है, तो जिस ओर हमारा एरो होता है, जिस तरफ हमारे तीर का निशान होता है, उसी तरफ हम बताते हैं कि हवा इस दिशा की चल रही है। मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं इसको कि वातावरण में कितनी आर्द्रता है, कितनी नमी है, तो उसके लिए हम हाइग्रोमीटर और साइक्रोमीटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ गैसेस, गैसों का घनत्व हम एरोमीटर से चेक करते हैं और ये इम्पोर्टेंट हो सकता है एग्ज़ाम के पर्पस से। डेंसिटी ऑफ गैसेस एरोमीटर। प्रेशर ऑफ ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर का प्रेशर हम किससे चेक करते हैं, तो पेजोमीटर से हम ग्राउंड वाटर का प्रेशर चेक करते हैं। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉयल। सॉयल की ग्रेविटी हम पिकनोमीटर से चेक करते हैं, यानी कि मिट्टी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो हम पिकनोमीटर से चेक करते हैं। इसके बाद मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। लिक्विड की ग्रेविटी हम हाइड्रोमीटर से यूज़ करते हैं। याद रखना लिक्विड की ग्रेविटी के लिए हाइड्रोमीटर हम यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ प्लांट ग्रोथ। प्लांट की ग्रोथ की मेजरमेंट किससे करते हैं, या तो हम क्रेस्कोग्राफ से करते हैं या फिर हम करते हैं ऑक्सीनोमीटर से। तो पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो हम किससे चेक करते हैं, तो ऑक्सीनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम प्लांट की ग्रोथ चेक करते हैं। मेजरमेंट ऑफ रूट प्रेशर। रूट प्रेशर का मेजरमेंट हम मोनोमीटर की हेल्प से करते हैं, तो मोनोमीटर जो है रूट प्रेशर को बताता है। एक मिनट बच्चों, रूट प्रेशर क्या होता है, रूट प्रेशर वो प्रेशर होता है जिसकी हेल्प से क्या होता है, वाटर प्रेशर के साथ स्टेम में मूव करता है। ओके, तो उसको चेक करने के लिए हम मोनोमीटर का यूज़ करते हैं। मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोसिस, इसके लिए हम ऑस्मोमीटर का यूज़ करते हैं। कंटिन्यूअस रिकॉर्ड ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अगर हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड करना हो तो उसके लिए हम हाइग्रोग्राफ का यूज़ करते हैं, यानी कि कंटिन्यूअसली ग्राफ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी आती रहती है, तो ये हाइग्रोग्राफ का हम यूज़ करते हैं कंटिन्यूअसली फॉर टू चेक रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसके बाद है मेजरमेंट ऑफ रेडिएशन, रिफ्लेक्टिविटी और एल्बेडो ऑफ सनलाइट।
यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेडिएशन की रिफ्लेक्टिविटी और सनलाइट की अल्बेडो हम एल्बेडोमीटर से चेक करते हैं। पॉइंट याद रखना कि रिफ्लेक्टिविटी रेडिएशन की और सनलाइट की अल्बेडो हम एल्बेडोमीटर से चेक करते हैं। इसके बाद मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट की वेवलेंथ के मेजरमेंट हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से चेक करते हैं। ये कॉमन है बिल्कुल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। मेजरमेंट ऑफ डायरेक्ट सोलर रेडिएशन, डायरेक्ट सोलर रेडिएशन का मेजरमेंट हम पायरहेलियोमीटर से करते हैं। तो याद रखना पायरहेलियोमीटर से हम डायरेक्ट सोलर रेडिएशन को चेक करते हैं। इसके बाद है मेजरमेंट ऑफ सॉइल मॉइस्चर, तो सॉइल मॉइस्चर को हम टेंसियोमीटर से देखते हैं या इरोमीटर से चेक करते हैं। याद रखना सॉइल मॉइस्चर को हम टेंसियोमीटर से या इरोमीटर से चेक करते हैं। इसके बाद है मेजरमेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन रेट, तो ट्रांसपिरेशन रेट को हम पोटोमीटर से चेक करते हैं। मेजरमेंट ऑफ इवेपोरेशन रेट, और इवेपोरेशन रेट यानी कि जो फिजिकल सरफेस से होता है इवेपोरेशन, जिसमें वाटर जो है वेपर की फॉर्म में हो जाता है कन्वर्ट, तो इवेपोरेशन रेट को हम मेज़र करते हैं पैन इवेपोरीमीटर की हेल्प से। इसके बाद है नेक्स्ट मेजरमेंट ऑफ इवेपोट्रांसपिरेशन, तो इवेपोट्रांसपिरेशन का जो मेज़रमेंट होता है वो लाइसीमीटर से होता है। ओके, पॉइंट याद रखना कि अगर बात करें इवेपोरेशन रेट की तो वो पैन इवेपोरीमीटर है, अगर बात करें इवेपोट्रांसपिरेशन की तो वो लाइसीमीटर है। मेजरमेंट ऑफ पोरोसिटी, पोरोसिटी का मेजरमेंट हम पोरोमीटर से करते हैं, पॉइंट कॉमन है। मेजरमेंट ऑफ प्योरिटी ऑफ मिल्क, तो मिल्क की प्योरिटी या मिल्क में फैट परसेंटेज, ये बहुत कॉमन सा होता है, लैक्टोमीटर से चेक करते हैं। मेजरमेंट ऑफ हाइट, हाइट के लिए हम अल्टीमीटर यूज़ करते हैं, तो हाइट के लिए अल्टीमीटर का यूज़ किया जाता है। मेजरमेंट ऑफ ड्यू, ड्यू के मेजरमेंट के लिए हम ड्रोसोमीटर यूज़ करते हैं, न्यू है ठीक है, नया आया है, ड्रोसोमीटर का हम यूज़ करते हैं ड्यू के लिए। इसके बाद मेजरमेंट ऑफ वाटर इन्फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि पानी के जो फिल्ट्रेशन की रेट है वो कितनी है, तो इसे चेक करते हैं हम इनफिल्ट्रोमीटर से ठीक है। इसके बाद मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके लिए हम यूज़ करते हैं गैल्वेनोमीटर, और फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, पार रेडिएशन के लिए हम यूज़ करते हैं क्वांटम सेंसर। तो ये हमारे 30 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट थे जो हमने बनाए हैं देखकर। तो देखिए यहाँ से लगभग आपको बता दूँ कि 1 to 2 क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं अलग अलग तरीके से। तो आपको ये सारे इंस्ट्रूमेंट की जो वीडियो क्लास मिली है ये कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और किसी भी तरह की वीडियो क्लास एग्रीकल्चर किसी भी टॉपिक पर अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हमारी ऑनलाइन वन लाइनर की सीरीज़ भी चली हुई है एग्रीकल्चर पर, जिसमें आप हमारे ग्रुप में जाकर एग्रीकल्चर स्टडी प्लेलिस्ट में हमारी जो 5 क्लासेस वन लाइनर की हैं वो भी देख सकते हैं। तो आज की ये वीडियो आपके सभी एग्जामिनेशन में मोस्ट इम्पोर्टेंट थी, तो अच्छे से वीडियो आपने देख ली होगी, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स लगे रहिए मेहनत के साथ, क्योंकि कैलेंडर जारी हो चुका है एग्ज़ाम का, सितंबर अक्टूबर में आपको यूके SSSC एग्ज़ाम हो जाना है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो एग्रीकल्चर के होते हैं, तो उनमें भी ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो आप सभी हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और बेस्ट ऑफ द बेस्ट वीडियो लेकर आ सकें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।